उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको मलाई बोटी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन है, बोनलेस भी ले सकते हैं और उसके अलावा हड्डी वाली भी ले सकते हैं आप। ये आधा किलो से ज़्यादा है ना थोड़ी। और हमें चाहिए होगी क्रीम आधी प्याली, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन, दही, काली मिर्च और क्रीम आदि। आप बताएंगे कि आप सबसे पहले क्या क्या ऐड करेंगी इसके अंदर? इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, एक और ये दो, 2 टेबलस्पून, ठीक है। और क्या जाएगा इसके अंदर? उसके बाद हरी मिर्च का पेस्ट भी आएगा इसमें 1, और ये भी तकरीबन 2 जाएगा। मिर्ची ज़्यादा आप खाते हो तो ज़्यादा डालना। उसके अलावा मायोनीज, ये कितना जाएगा इसमें? आधी प्याली। ये देखिए हमने पहले इसमें क्रीम अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और इसमें हमने क्या डाली है? मायोनीज। मायोनीज डाला। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, देख रहे हैं आप। ये देखिए दही आधी प्याली, दही आधी प्याली, ठीक है। क्रीम, क्रीम भी आधी प्याली, ठीक है। ये देखें, ये देखिए अब इसमें क्रीम भी चली गई है, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा? काली मिर्च। ये काली मिर्च, काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और नमक हसबे जाएगा, नमक मैं हाथ से डालती हूँ तो अगर बुरा लगे तो, लेकिन आदत होती वालों की, मैं खाने में भी नमक डालती हूँ तो हाथ से डालती हूँ ना, बोलते हैं हाथ से अलग जायका आता है, तो आप अपने जायके के हिसाब से जितना आपको पसंद हो आप नमक डाल लीजिए, ठीक है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैरिनेट करके रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से मिस हो गया होगा तो आप मुझे दोबारा बताएंगे इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है? इसमें चिकन है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है 2 टेबल स्पून, काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, काली मिर्च कम डलेगी ना। उसके अलावा क्रीम आधी प्याली है, मायोनीज आधी प्याली है और दही भी आधी प्याली है। ये देख रहे हैं आप, इसमें चिकन पूरी इसमें डिप होनी चाहिए अच्छी तरह से ना, ताकि, और फिर उसके बाद हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि वो बहुत अच्छा से इसके अंदर जो है मसाला चले जाए। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और नमक डाला है हमने हल्के से, देखिए 2 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट हुए हुए, अब हम जो है इसको स्टीम करेंगे और ये हल्का सा स्टीम हो जाए तो उसके बाद फिर हम, ये देखिए ये इसका जो हमने मैरिनेट किया था वो बचा हुआ है, तो उसके बाद हम इसको मसाले में करके फिर आपको बताएंगे क्या होगा। अभी ये सिंपल मैरिनेट हो रहा है, बस 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है और पतीली भर के आज को हम इसको ढक के रख देंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, चिकन जो है वो स्टीम हो गई, अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देखिए आप, ये देखिए टूट रही है बिल्कुल। तो अब जो है हम इसको बाकी का करेंगे और ये इसकी बाकी जो मैरिनेशन थी वो हम पतीली में डाल के फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून बटर डालते हैं और बटर डाल के हमने ज़्यादा चलाना है। ये देख सकते हैं आप, ये बटर इन्होंने डाल दिया है इसके अंदर, ये मेल्ट हो रहा है। इसके बाद ये क्या डालना है? तो बाकी इसकी मैरिनेशन है, हमने ये डालते हैं ताकि जो बटर जले ना। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने इसमें बटर डाला है 1 टेबल स्पून और इन्होंने इसमें जो बचा हुआ इसका मटेरियल था वो भी इसमें इन्होंने डाल दिया, देख आप देख सकते हैं। अब ये इसको तो क्या करेंगे अब हम? चिकन डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे, ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, ठीक है। अब ये इसमें मसाले को क्या करेंगे, कुछ करेंगे थोड़ा सा? ये क्या, इसको डीप फ्राई कर दो, तो जो है वो भी खाने की हो जाएगी, रेडी हो जाएगी।
ये देख सकते हैं आप इसमें, अब ये इन्होंने इसमें क्रीम डाल दी है, ठीक है। क्रीम आपने क्रीम पहले भी डाली थी? ग्रेवी पलट के और उसमें चिकन डाल दी थी, और जब ये अच्छी तरह से अंदर हो गया है तो हल्का सा ग्रेवी वाला रखा है ना मैंने, आप चाहे तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये है हमारा मलाई बूटी का फाइनल लुक, देख सकते हैं आपको पसंद आया होगा, आप बनाएं सबको खिलाएं, हमें भी बताएं कि कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। और उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोने पे लाल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, उसको दबाएंगे तो सब्सक्राइब होगा, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें हमें, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।